तो गुरु एनडीए बनाम इंडिया हो गई लड़ाई। संदीप जी आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को हमारा नमस्कार। संदीप जी आपको ध्यान होगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे देवकांत बरुआ। कोई कांग्रेस के लोग पहली बार इंडिया का राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं ऐसा तो है नहीं। देवकांत बरुआ जी ने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो ये लोग देश को भी राजनीतिक उपयोग करने से बचते नहीं है, उनका भी नाम का उपयोग करते, ये स्पष्ट है। लेकिन आपने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में बहुत अच्छी बात कही कि इंडिया है और भारत है, इनका आइडिया ऑफ इंडिया है। इनका आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? इनके आइडिया ऑफ इंडिया में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और ये दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ देश के महत्वपूर्ण राज्य की राजधानी में दलित समाज के युवक निर्वस्त्र आंदोलन कर रहे थे। आदमी निर्वस्त्र कब होता है, नग्नावस्था में कब जाता है? जब उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। तो इनके आइडिया ऑफ इंडिया में दलित नहीं है, इनके आइडिया ऑफ इंडिया में आदिवासी की बेटी नहीं है। तभी देश को 75 साल लग गए थे आदिवासी की बेटी को राष्ट्रपति भवन पहुंचाने में। तमाम तरह के आरोप लगातार उत्तर से लेके दक्षिण तक, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, तमिलनाडु में डीएमके, शुद्ध रूप से फैमिली लिमिटेड कॉरपोरेशन, परिवार आधारित कंपनियां। दूसरी पीढ़ी का नेतृत्व कौन करेगा? तो परिवार करेगा। राष्ट्रीय जनता दल हो, समाजवादी पार्टी हो, और लालू जी जो कि बहुत प्रमुखता से दिख रहे थे, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखे, उसके पीछे क्या गणित है मुझे नहीं मालूम। लालू जी का वो बोला मल्लिकार्जुन खड़गे है कि रानी के पेट से, अब मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखे, मुझे लगा कि ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि नीतीश जी के मन में शायद कन्वीनर बनने की इच्छा रही होगी, वो नहीं बन पाए, वो उनका अपना आंतरिक विषय है। लेकिन लालू जी का मुझे स्मरण आता है, लालू जी ने कहा था, और अक्सर कहते हैं कि रानी के पेट से राजा नहीं निकलेगा, और आज जो लोग बैठे थे वहां पे, शुद्ध रूप से उद्धव ठाकरे कौन, तेजस्वी यादव कौन, राहुल गांधी कौन, जो कॉमन थ्रेड है संदीप जी, जो एक समान धागा है जो इन सबको पिरोने का काम करता है, वो नंबर एक है परिवारवाद और नंबर दो है भ्रष्टाचार। राहुल गांधी जी सजा याफ्ता है, दूसरे मामले पे बेल पे बाहर है, सोनिया गांधी जी बेल पे बाहर है, लालू जी चारा घोटाला, तेजस्वी यादव रेलवे स्कैम, सब के सब, अरविंद केजरीवाल जी लिकर स्कैम, डीएमके मनी लॉन्ड्रिंग, सब के सब जिनको एक धागे में पिरोने का काम किया जाता है, वो है अपराध और वो है भ्रष्टाचार। और बहुत और सारे वो अपने आपको इंडिया बता रहे हैं। अब आपने गुरु 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 भी नहीं है, होल्ड ऑन, आपने चार पांच चीजें एक साथ कर दी, तो एक एक पॉइंट पर मैंने जानबूझकर इंटरवीन नहीं किया। आपने रायपुर का जिक्र किया और अच्छा किया आपने जिक्र किया। निर्वस्त्र होने की नौबत आ जाए, ये शर्मनाक वाकया है, घटना है। तो आपको ध्यान होगा अभी 3-1 साल की बात है, जंतर मंतर देश के दिल, जंतर मंतर पर तमिलनाडु से दलित और आदिवासी यहां धरने पर बैठे हुए थे, और नाराजगी का आलम ऐसा था, उनकी बेबसी ऐसी थी कि वो मूत्र पेशाब भी पिया यहां पर, किसी ने सुनवाई नहीं की। मध्य प्रदेश के सीधी में आपके विधायक के एक प्रतिनिधि एक आदिवासी पर खुलेआम पेशाब कर देते हैं, बाद में पैर धोने से क्या वो पाप मिट जाते हैं? तो आप दलित और आदिवासी की बात कर रहे थे, तो ये जानकारी गलत तो नहीं दी मैंने? नहीं संदीप जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं दो बातों पे। पहला तो आपने मुझे इतना लंबा अवसर दिया बोलने का, और दूसरा बिल्कुल आपने मुझे स्मरण कराया। संदीप जी हम यही कहना चाहते हैं। मैं देख रहा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के कुछ चुने हुए भाषण। मैं कभी भी किसी राजनीतिक असमंजस में फंसता हूं तो लोहिया जी की तरफ जाता हूं, बाबा साहेब अम्बेडकर की तरफ जाता हूं, और उन्होंने भी इस बात की चर्चा की है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे लगातार लोहिया जी हो, जयप्रकाश नारायण हो, ये लोग कहते क्या है कि लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। संदीप जी पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव हुए थे, त्रिस्तरीय हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस पंचायत के चुनाव में किस प्रकार से लोगों को नामांकन तक नहीं करने दिया गया, ये लोकतंत्र बचाने वाले हैं। बिहार में
जो कि लोकतंत्र की जननी है, जयप्रकाश जी की भूमि है, उस बिहार की भूमि पे निरशंस हत्या कर दी जाती है स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस के तहत। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर विजय सिंह जी की निरशंस हत्या कर दी जाती है। ये लोकतंत्र को बचाने आए हैं, ये संविधान को बचाने आए हैं। जिन लोगों ने देश के गौरवशाली इतिहास में एक बार जब आपातकाल लगाने की नौबत आई तो इन लोगों ने लगाया है। और हमें आज भी याद है कि एक बड़े अखबार ने अपने संपादकीय का पन्ना खाली रखा था, तो आज जो लोग मिलकर के आए हैं उनके आइडिया ऑफ इंडिया में गरीब दलित शोषित पीड़ित के लिए जगह नहीं है। आपके सबसे बड़े नेताओं में लाल कृष्ण आडवाणी हैं गुरु, आप ये तो मानते हैं ना, सबसे वरिष्ठ बीजेपी के जो नेता हैं वो लाल कृष्ण आडवाणी हैं। मार्गदर्शक मंडल में भी हैं। उन्होंने मौजूदा काल को अघोषित आपातकाल कहा, गलत कह रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी? नहीं नहीं संदीप जी, ऐसा है कि पिछले 12-15 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पानी पीपी कर गाली दिया जाता है। मैं लाल कृष्ण आडवाणी के बयान का जिक्र कर रहा हूं, बताइए ना, सही बयान दिया गलत बयान दिया लाल कृष्ण आडवाणी ने? आप संदीप जी, आपने प्रश्न पूछा है, अपने शो में आपातकाल मत लगाइए, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए तो अच्छा रहेगा। संदीप जी देखिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए जिन प्रकार के शब्दों का उपयोग होता है, उनके परिवार के नाम पे, उनके जाति के नाम पे उनपे व्यक्तिगत आक्रमण किया जाता है, ये अघोषित आपातकाल है, यह आपातकाल है, देश ने देखा है संदीप जी। तो गलत कह रहे हैं ना, क्या होता है आप भली भांति जानते हैं, आपातकाल क्या होता है ये देश भली भांति जानता है। क्षमा चाहता हूं संदीप जी, सुन नहीं पाया। गलत कह रहे हैं ना, गलत बयानी कर रही लाल कृष्ण आडवाणी। कौन गलत बयान? लाल कृष्ण संदीप जी, आपकी व्यक्तिगत राय है, ये आपकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन जब नहीं संदीप जी, ये आपकी व्यक्तिगत राय है और यहाँ अभी जाने का कोई मतलब नहीं है। चलिए अभी दूसरे मुद्दे पर भी आते हैं। आपने दो और जो आरोप लगाए और प्रधानमंत्री ने भी लगाए, भ्रष्टाचार की बात करते हैं और आपने वो लंबी फेहरिस्त गिनवा दी। तो जो नेचुरली करप्ट पार्टी थी NCP, 70,000 करोड़ का घोटाला किए हुए थी, उसको आप अपने साथ मिला लेते हैं। 9 विधायकों को, जिनमें से 3 के खिलाफ ईडी और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच चल रही थी, यानी कि अजित पवार, छगन भुजबल, हसन मुशरीफ, उनको आप मंत्री बना देते हैं, तो ये भ्रष्टाचार की लड़ाई में विरोधाभास नहीं हो जाता? संदीप जी वो जांच चलती रहेगी। मैं आपके शो पे बताना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी स्थान पे हो, किसी भी पोजीशन पे बैठा हो, जांच थोड़ी रुक जाएगी। जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जांच चल रही है, सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ जांच चल रही है, मुकुल रॉय के खिलाफ जांच चल रही है, नारायण राणे के खिलाफ जांच चल रही है, KS ईश्वरप्पा के खिलाफ जांच चल रही है, उसी तरह से ना BS येदियुरप्पा के खिलाफ जांच चल रही है। अक्सर ये ऐसा नैरेटिव नहीं तो संदीप जी कोर्ट में ये बरी हो गए हैं क्या? आप कह दीजिए कोर्ट में बरी हो गए हैं, जांच नहीं चल रही है? जांच चल रही है, जांच की अपनी गति है, जांच पूरी होगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने संदीप जी और आप और हम इस शो पे कई बार डिस्कस कर चुके हैं, 1,00,000 करोड़ से अधिक के संपत्ति को अटैच किया जाता बिल्कुल है, किया है। बैंकों का पैसा उनको वापस किया जाता है। ये देश भूला नहीं है, ये देश भूला नहीं है संदीप जी। 2012-13 में अखबार खोलिए, 2G, CWG, जीजा जी को ठेका मिल गया, ये देश को सब याद है। और पिछले 9 वर्षों में संदीप जी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता पे एक भी करप्शन का कोई एलिगेशन नहीं लगा है, क्योंकि ईडी और IT वो जांच ही नहीं करती बीजेपी के नेताओं की। और ये भी आंकड़ा हम कई बार कर चुके हैं डिस्कस, NCRB के ही आंकड़े हैं ये, 124 में से 118 ईडी ने जो मामले दर्ज किए राजनीतिक शख्सियत, राजनीतिक लोगों के खिलाफ, वो विपक्ष के, 96%। IT ने 124 किए, 119 विपक्ष के, यानी कि 95%। आप अपनी जांच ही नहीं करवाएंगे तो फिर पाक साफ तो हो जाएंगे, या वॉशिंग मशीन लगा लेते हैं आप? नहीं नहीं, ये संदीप जी बड़ा ही कन्वीनियंट आर्गुमेंट होता है, मुझे लगता है कि एक नैरेटिव चलाने वाले लोग इसका उपयोग करते हैं, लेकिन NCP के नेता आपने ही जिक्र किया, उनपे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच चल रही है, अभी भी चल रही है,
आगे भी चलेगी। इस प्रकार से दागियों को प्रमाण पत्र मत दीजिए संदीप जी। नहीं नहीं, आप दे रहे हैं प्रमाण पत्र, फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया अजित पवार को, कह रहे थे चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, अब बजट उनके हाथ में दे दिया महाराष्ट्र का। नहीं संदीप जी, देखिए मैं पुनः बोल रहा हूँ, 2022 से 2047 तक प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा है कि भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार, भारत की राजनीति से इन दो कैंसरों को नहीं बिल्कुल हटना चाहिए। आई एम ऑन द सेम पेज भाई, आई एम ऑन द सेम पेज। ये परिवारवाद भ्रष्टाचार पर नकेल लगनी चाहिए। अब परिवारवाद की भी बात करें तो चिराग पासवान, आपने कुछ नाम गिनवाए थे, चिराग पासवान परिवारवाद की पौध है कि नहीं है, या अजित पवार परिवार के चलते वो जहाँ पहुँच पाए वहाँ नहीं पहुँचे हैं क्या? दुष्यंत चौटाला, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ये परिवारवाद के प्रतीक नहीं है क्या? संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी का, और ये बड़ा पैनल है, मैं ये प्रश्न भी देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ के इतिहास में मुझे एक उदाहरण दीजिए जब पिता पुत्र या पिता पुत्री अध्यक्ष हो गए हो? नहीं हुए हैं, बता देना चाहता हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ के इतिहास में एक उदाहरण दीजिए जहां पिता पुत्र मुख्यमंत्री हो गए हो? नहीं हुए हो। ये लोग परिवारवाद के प्रतीक हैं कि नहीं? आप में क्षमता है, आप में पुरुषार्थ है, तो आप आगे बढ़िए, लेकिन हमारे यहाँ कोई अध्यक्ष का पद रिजर्व नहीं है संदीप जी, ध्यान रखिएगा। अगर आप में काबिलियत है तो पार्टी के अध्यक्ष भी बनेंगे, काबिलियत है तो मुख्यमंत्री भी बनेंगे, काबिलियत है तो प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे यहाँ पिता पुत्र अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री।